नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। करीब 5 महीने बाद कांग्रेस खेमे को आज एक ऐसी खुशी नसीब हुई जिसे वो एक बड़ी जीत बता रहा है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से कई जगह से तस्वीरें सामने आई, ढोल की थाप पर पटाखों की आवाज, मुखौटों के पीछे चेहरे नजर आए, राहुल गांधी के मुखौटे पहने, कार्यकर्ताओं की तरफ से हुंकार भरी गई। ये जश्न बता रहा था कि कांग्रेस खेमे के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत जो मिली, निचली अदालतों से मिली 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता फिर से साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका बयान गुड टेस्ट में नहीं था। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा अधिकतम 2 साल की सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया। अंतिम निर्णय आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। राहुल गांधी को चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार प्रभावित हुआ है। राहुल गांधी को सजा से राहत मिलने के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है और आफत से राहत के बाद सुकून महसूस करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की प्रतिक्रिया क्या सामने आई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं। आया जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। ये पहला केस होगा जो कि डिफेमेशन में 2 साल की सजा हुई हो। इसके मतलब पीछे क्या है, इसके मतलब ये राजनीतिक कोई बात थी? तो जुडिशरी पे हमारे पूरा यकीन है, आज रोक लगी है, नीचे केस में चल रहा है, उसमें भी राहुल गांधी जीत की जीत होगी और सच्चाई सदा जीतती है। और ये एक बात साबित करता है, कितनी भी कोशिश कोई करे राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज नहीं दबेगी। वही मनोज तिवारी ने कहा कि अभी कोर्ट में जाकर अपनी गलती के बारे में राहुल गांधी ने बताया होगा, ये काम वो पहले कर लेते तो पहले भी इस तरह का फैसला आ सकता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताता है कि इस देश में लोकतंत्र है, फिर चाहे राहुल गांधी विदेश में जाकर कुछ भी कहें। सुप्रीम फैसले से राहुल को राहत मिली है और उनकी संसद सदस्यता भी देर सवेर बहाल हो जाएगी। लेकिन दिलचस्प ही होगा कि लोकसभा सचिवालय कब तक अधिसूचना जारी करता है। इतना जरूर है, अब सियासत का नया रंग नए ढंग में देखने को जरूर नजर आएगा। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। शांत प्रकाश जाटव है, बीजेपी नेता है। जाटव साहब बहुत स्वागत है आपका। रितु चौहान कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, रितु जी बहुत स्वागत है आपका। आदर्श कुमार वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ, आदर्श जी स्वागत है। ऋषिपाल सिंह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है, ऋषिपाल जी आपका बहुत स्वागत है। मैं पहली प्रतिक्रिया रितु चौहान जी से लेना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ है। रितु जी, ये बहुत बड़ा दिन है आज कांग्रेस पार्टी के लिए और लगभग मैं ये कहूँ कि 4 से 5 महीने आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस खेमे के लिए तो बड़ा दिन है, कार्यकर्ताओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। और जिस तरह से निर्णय आया है उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि आज का दिन बड़ा दिन है, लोकतंत्र की जीत हुई है और ये संविधान की जीत है। देखिए ऐसा है सर, पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखिए न्याय प्रणाली पे हमारा पहले भी विश्वास था,
आज भी विश्वास हमारा कायम है और राहुल जी ने हमेशा ये कहा कि मैं सच के साथ हूँ और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसमें मुझे 2 साल के लिए सजा दी जाए। उसी पर राहुल जी ने कोर्ट में जब अर्जी दी, उन्होंने अपना सारा पक्ष हमारे वकील ने क्लियर रखा। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, उससे ये लगता है कि न्याय प्रणाली आज भी कहीं ना कहीं सत्य की जीत करती है। और आज जो मैं आप अभी कह रहे थे सदस्यता बहाली की बात, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को तुरंत 24 घंटे के अंदर इन्होंने निरस्त करके और हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया था, हम अनुरोध करेंगे इस सरकार से, क्या राहुल गांधी जी के लिए भी वही नियम लागू होगा? ये हम आपके चैनल से पूछना चाहते हैं, क्या राहुल जी की सदस्यता भी ये 24 घंटे के अंदर बहाल करेंगे? जितनी जल्दी और फौरन इन्होंने कार्रवाई करके 24 घंटे के अंदर जो सदस्यता इनकी रद्द कर दी, तो हमारे तो इनसे पूछना ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या राहुल जी की सदस्यता बहाली में भी इतनी जल्दी दिखाएंगे ये लोग? ये मैं पूछना चाहती हूँ। चलिए, शांत प्रकाश जी मेरे साथ हैं इस वक्त। शांत प्रकाश जी, निर्णय आया है, इस पर भी रिएक्शन में आपसे चाहूंगा। और दूसरा, राहुल गांधी के संसद सदस्यता निरस्त करने के बाद जितना जल्दी उसमें निर्णय लेने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो क्या उतनी ही तीव्र गति से उनकी संसद सदस्यता को बहाल करने का निर्णय भी लिया जाएगा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी के पक्ष में जो निर्णय दिया है, इसके बाद मैं तो कहूंगा कि राहुल जी को बधाई। और राहुल जी जो है, ये सीख जो उनको मिली है 4-5 महीने से जो इन्होंने झेली, वो अपने कार्यकर्ताओं को भी बताएं कि इस प्रकार की भाषाओं को, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल न करें। और एक ये तमाम देश के तमाम उन प्रवक्ताओं के लिए भी, नेताओं के लिए भी एक सीख है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, संयमित दायरे में भाषा का इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए। अन्यथा जो व्यक्ति अपने आप को ये मान करके चलते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, कानून जो है उन पर भी अपना शिकंजा कसता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सबके लिए सीख भी है राहुल गांधी जी के साथ साथ। और जो बात आपने कही कि क्या होगा इसके आगे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इनकी पुनः बहाली का विषय है, तो वो अपना उचित स्थान पर जब विषय जाएगा तो क्या दिक्कत है, तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है जी। क्योंकि इसमें जिस तरह से हम मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, कहा कि गुजरात से फैसला आता है बहुत जल्दी, 24 घंटे में नहीं लगते हैं, सदस्यता रद्द हो जाती है, अब तो दिल्ली में ही पूरा मामला है। हाँ। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी संताप में भी होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा बनने जा रहे थे, मगर अब राहुल गांधी जी वापस आ गए तो राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री का चेहरा रहेंगे। आज तो ये जो INDIA के सभी घटक जो है वो खुशी नहीं दुख मना रहे होंगे क्योंकि अब INDIA के लिए जो है प्रधानमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो गया। माफ करिएगा, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, आप लोगों की अंदरूनी दिमाग की सोच है कि आप क्या सोचते हैं। हमारे घटक दल, इंडिया के घटक दल ऐसा नहीं सोचते हैं। रही आपने बात करके जी की करी, खड़गे जी सम्मान करते हैं राहुल जी का, राहुल जी ही हमारे लीडर हैं, खड़गे जी सम्मान करते हैं राहुल जी का। और इस बात को छोड़ दीजिए कि हम क्या करेंगे, हम तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सदस्यता बहाली को तुरंत कार्रवाई करिए, ताकि पता चले कि आप निष्पक्ष हैं, आपकी सरकार निष्पक्ष है, और राहुल जी तुरंत जाके वही 20,000 करोड़ का हिसाब मांग सके कि अडानी के साथ में जो बिजनेस में पैसा लगाए वो आखिर किसका है। इसी वजह से राहुल जी की आवाज को दबाने की जो कोशिश की थी, आज वही आवाज दोबारा से संसद में गूंजना चाह रही है, तो हम कहेंगे उस आवाज को तुरंत संसद में बहाली की जाए, हम ये कहना चाहते हैं। रही बात, आपने कहा प्रवक्ताओं को और सबको ये सोचना चाहिए कि आप लगाम रखें, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमेशा संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा हर नेता पर लागू होता है। क्या हमारी सोनिया जी को जर्सी गाय नहीं कहा गया? उन अपशब्दों को आप भूल जाएंगे?
क्या अभी रिसेंटली इंडिया जब गठबंधन बना, इंडिया के गठबंधन पे मुजाहिदीन, इंडिया मुजाहिदीन से कांग्रेस की तुलना की, क्या ये संसदीय भाषा है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगी पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर दूसरों पर टिप्पणी करें। ठीक है शांत प्रकाश जी, जल्दी से इस पर अपनी। देखिए रितु जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सोनिया जी का अपमान जितना आप लोगों ने कर लिया है, उनको भाजपा ने तो कभी इतना नहीं कहा जितना आप लोगों ने जो है ना ये शब्द जो अभी आपने कहा वो इतना बार बार दोहराते हैं और सोनिया जी के बारे में इस प्रकार की बात बोलते हैं। तो मुझे लगता है आप अपने नेता का स्वयं अपना अपमान कर रहे हैं। मैं इस वक्त भी नहीं बोल रहा सोनिया जी को, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर सोनिया जी का वो जिक्र बार बार करके आप अपने अपमानित करती हैं, कर रही हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि कई बातों को छोड़ देना चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके कहे हुए शब्दों को दोहराते हैं कि क्या आपके कानून में, आप ही लोग कहते हैं जिस शब्द को अभी आपने कहा। चले नहीं नहीं, सोनिया जी को ये शब्द हमारी मनगढ़ंत कहानी है। मैं सोनिया जी के ये जो शब्द हैं आदर्श कुमार जी के पास भी जाऊंगा, ऋषिपाल जी के पास भी आता हूँ। ऋषिपाल जी से इस निर्णय को लेकर थोड़ा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। ऋषिपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब जो फैसला आया है संसद सदस्यता को लेकर, ये जरूर स्पष्ट है कि बहाल हो जाएगी, उसमें वक्त लगने की जहां तक बात है देखना होगा कब तक लगेगा। राजनीतिक विषय ये जरूर हो सकता है कि दोनों पार्टियों के लिए कि जितनी जल्दी उसको रद्द किया गया सदस्यता को, उतना जल्दी बहाल करते कि नहीं करते हैं, पर कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो इस रोक के क्या मायने हैं? देखिए शमशेर, सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया और जो ऑब्जर्वेशन को दिया वो हमें जरूर देखना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए भी राहुल गांधी जी की पीठ थपथपाती है, एक ऑर्डर को देखिए जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपने जो किया वो नहीं आपने किया या उन मेरिट्स को नहीं नकारा, केवल कोर्ट ने तो ये पॉइंट कहा कि भाई जो सेंटेंस थी वो जो 12-24 महीने की सेंटेंस थी वो कम हो सकती थी, लेकिन कहीं पर भी जो उनका एक्ट था उस एक्ट को जस्टिफाई कोर्ट ने नहीं किया। इस बात को समझना चाहिए इनको जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, जैसा कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि ऑटो जो एकदम से 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द हो गई और सरकार ने सदस्यता रद्द कर दी, तो ये सरकार के हाथ में नहीं था, इट वाज ऑलरेडी सेटल्ड लॉ। जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 है वो कहता है कि जैसे ही आपका कन्विक्शन होगा ऑटोमेटिकली ही आपकी सदस्यता चली जाएगी, लॉ कहता है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से जो लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है उसको डिसाइड करेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है कन्विक्शन पर स्टे हुआ है, वो एक तरह का नॉन ऑपरेटिव हुआ है, लेकिन कहीं पूरे ऑब्जर्वेशन में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा या किया वो कहीं पर भी जस्टिफाई था। हर जगह पूरी के पूरे ऑब्जर्वेशन में ये था कि जो आपको कहना था वो आपको नहीं कहना चाहिए था। हाँ ठीक है, आपको जो सजा दी गई वो बहुत सबसे ज्यादा सजा थी, पूरी सजा थी जितनी उस प्रोविजन में है, उसका जरूर पूछा जाए, जैसे भाई आपने कंप्लीट इतनी ज्यादा सजा क्यों दी है और उसका इम्पैक्ट और क्यों पड़ेगा, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि उनके एक्ट को जस्टिफाई नहीं किया गया। तो ये मैं समझता हूँ ये समय है कि कांग्रेस पार्टी को उनके नेताओं को समझना चाहिए जो उन्होंने किया है, आगे उनको ये नहीं दोहराना है। जी ठीक है, इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये ऋषिपाल जी ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया उसके मुताबिक बातें रखी हैं। अब मेरे साथ आदर्श कुमार जी हैं, उनसे जरा बात करेंगे। आदर्श जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का मानना है कि संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब इस प्रकार के आदेश आते हैं तो उस दौरान ये देखा गया है कि पहले को निर्णय आता है तो फिर आरोप ये लगता है संविधान को कुचलने की चेष्टा की जा रही है, हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज उनके फेवर में फैसला आ गया तो ये कह रहे हैं कि देखिए आज भी देश में संविधान जिंदा है। दूसरा, बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने है, मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर तो बात कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में, संविधान को कुचला जा रहा है, और आज ये कह रहे हैं कि संविधान जो है आज भी जिंदा है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? राजनीतिक तौर पर समझना चाहता हूं और ये भी जानना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस निर्णय के बाद जो एक सियासत शुरू होगी या शुरू हो चुकी है वो किस करवट जाएगी? देखिए शमशेर जी, आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि जब इस तरह के फैसले आते हैं तो उसे जीत बताने की कोशिश होती है, और जब मन के अनुकूल कोई बात नहीं हो रही होती है तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है अब बचा नहीं है या लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। देखिए आज जो निर्णय आया है निश्चित तौर पर जो है
कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है या कोर्ट ने जो बातें कही है वो बिल्कुल सच है कि जो उनका गुनाह था, मैं ये गुनाह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इस बात से हम बच नहीं सकते कि अगर दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी के नेता अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने किया और इस वजह से जो है हमने जो कहा वो सच है या उसको जायज मान लिया जाए। देखिए इस तरह के अपशब्द चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो या किसी और पार्टी के नेता की तरफ से हो, जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपसे ये अपेक्षा होती है कि आप जो भी बात कहेंगे उसमें एक गंभीरता की आवश्यकता होनी चाहिए, खास तौर से जब आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हो। राहुल गांधी जी सम्मानित नेता है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है और ऐसा उनके व्यवहार से झलकता भी नहीं है, लेकिन कभी कभी आवेश में आकर के इस तरह की बातें उन्होंने कह दी, लेकिन जो कह दी आवेश में कही गई बातें भी गलत होती है। तो जो कहा गया वो गलत है और कोर्ट ने भी अपनी बातों को यही कहा है कि ठीक है ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, उसके लिए जो उनको सजा मिली उसमें मेरी भी राय ये है कि आप ठीक है, मतलब कि वो रूल्स है, रेगुलेशन है कि अगर कहीं पे इस तरह का मुकदमा दर्ज होता है तो संसद की सदस्यता चली जाएगी, वो सब सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बयान मात्र से जो है दो साल तक या इतने दिनों तक जो है एक सांसद का और खास तौर से राष्ट्रीय नेता का संसद से दूर रहना ये मुझे उचित नहीं लगता है। इसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं लेकिन मेरा ठीक अभी भी मानना है कि क्या हम इन सब चीजों से सबक लेते हैं, जो परिस्थितियां हुई या जो प्रकरण हुआ उससे क्या बीजेपी के नेता सबक लेंगे या उससे क्या कांग्रेस के नेता सबक लेंगे। एक गलती की चर्चा में ही अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से बयान आज भी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जब कोई ऑब्जर्वेशन या कोई फैसला सुनाती है तो उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता होती है, उसको एक सीखने के तरह देखना चाहिए कि हम उनसे क्या सीख ले सकते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है। लेकिन होता उल्टे है, उसे हार और जीत, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस द्वंद में जो है इस तराजू में तौलने की कोशिश होती है, ना तो ये कांग्रेस की जीत है ना तो ये बीजेपी की हार है। एक प्रकरण हुआ, एक सिचुएशन आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सही है और क्या गलत है, तो ये इसको इसी परिप्रेक्ष्य में ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने की जरूरत है। लेकिन एक चीज मैं देख पा रहा हूं आदर्श जी, कि इस माहौल की बात मैं थोड़ा सा करूंगा कि अब जो सियासत का जो तरीका हो गया है वो ऐसा हो गया है कि कोई चीज अगर किसी पार्टी के पक्ष में चली जाती है तो उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, किसी के खिलाफ चली जाती है तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि देखिए ये हमारी जो है हमारे साथ अन्याय हो गया है। जीत और अन्याय का एक पैमाना तय कर दिया गया है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि इन चीजों को बड़े आसानी के साथ हर पार्टी को जो है स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो निर्णय या कोई फैसला या कोई आदेश, चाहे वो सरकार का है चाहे वो कोर्ट का है, उनको स्वीकार करने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम पड़ती नजर आती है पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है और मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि अगर आप देश के माहौल को देखें, मतदाता को देखें, तो इस तरीके से उनके सामने में चीजें प्रस्तुत करने की कोशिश होती है कि या तो आप बिल्कुल किसी एक पार्टी के पक्ष में रहें या फिर दूसरी पार्टी के खिलाफ हो जाए। तो ये जो स्थिति है कि हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से जब हम नहीं देख पाते हैं तो ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ठीक नहीं है, किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। होना ये चाहिए, देखिए बड़ी पार्टी जब होती है खासतौर से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, छोटी पार्टियों को हम कह सकते हैं कि वो लाइमलाइट में आने के लिए या ज्यादा प्रचार की भूख में कई बार वो इस तरह के उनके नेता बयान दे देते हैं। लेकिन जब आप बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े लीडर्स हो या फिर कांग्रेस के बड़े लीडर्स हो, तो आपकी जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ जाती है। आप राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे होते हैं, लोगों के सामने जब आप अपनी बात रखते हैं तो लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपसे सुनते हैं और लोग ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी जो है एक तरीके से पूरे माहौल को देखती है। तो वो कहीं ना कहीं जरूर लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए चिंता का सबब है कि राजनीति की जो स्थिति
स्थिति है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो गिरती चली जा रही है और राजनीति में जो एक शुद्ध परिचर्चा और राजनीति, क्या मैं तो थोड़ा सा हट करके मैं स्वयं मीडिया संस्थान में रहा हूँ न्यूज चैनल में, लेकिन मौजूदा न्यूज चैनलों की जो हालत मैं देखता हूँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है आप जिस तरीके से निष्पक्ष होकर के वस्तुनिष्ठ तरीके से बहस को प्रस्तुत करते हैं या तथ्यों को सामने रखते हैं, इस तरह की परिचर्चा जो है वो पूरे मीडिया से गायब होती जा रही है। तो एक पूरा का पूरा माहौल है, पूरा का पूरा अगर आप इसको संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जिस तरीके से मौलिक तौर पे सोचते थे, जो पुराने जमाने के नेताओं को याद कीजिए कि वो दो अलग अलग पार्टियों में रहते हुए किस तरीके से अपनी बात रखते थे, है ना, आदरणीय चंद्रशेखर बाबू को याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कीजिए, सुषमा स्वराज जी को याद कीजिए, तो आपको लगेगा कि किस तरह की चीजें जो है डिस्कशन में सामने आती थी, लोग उससे सीखते थे। तो वो कहीं ना कहीं चीजें मुझे लगता है कि वो चिंता के बहुत चिंताजनक चीज़ें हैं और वाजिब भी हैं, इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं रितु चौहान जी के पास जाऊंगा। रितु चौहान जी, एक नज़ीर तो पेश करनी ही पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को। अब देखिए, जब बात आई मोदी सरनेम को लेकर, अपमान करने को लेकर, अब चाहे नाम लेकर के उन्होंने कहा हो कि ये जो लोग हैं इन यही सब क्यों इस प्रकार का काम कर रहे हैं, पर सवाल ये भी है कि किसी एक समुदाय विशेष को उसके साथ जोड़कर देखना ये ठीक नहीं है, ये सवाल उठता है। अब सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति होता है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सवाल शांत प्रकाश जी के साथ भी रहेगा और जो अभी मेरे साथ आदर्श कुमार जी बने हुए लगातार एक बात कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये स्तर जो है राजनीति में जिस तरह से बयानों का गिर रहा है वो चिंताजनक है और इसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए राजनीति के अंदर हकीकत में आपका कहना सही है और हमारे जो दूसरे साथी हैं अभी उन्होंने बताया उनका कहना भी ठीक है, राजनीति में मर्यादाएं शब्दों की जरूर होनी चाहिए और वो शब्द अगर किसी समाज या जाति पर कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन शब्दों पर काबू करना चाहिए। लेकिन आप राहुल जी का पूरा बयान देखिए, इतने लंबे बयान के अंदर नहीं, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई है तो हम जो है उसको अपने लिहाज से नहीं, हम देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है तो उसमें मुझे लगता है कि रितु चौहान जी आपको भी, शांत प्रकाश जी को भी, हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर आप ये कहें कि देखिए पूरा बयान सुन लें, ये सुन लें, अब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ देखने के बाद ही कहा होगा मुझे लगता है, ऐसा तो कोई फैसला आता नहीं है तो इसको मुझे लगता है स्वीकार करना चाहिए। यही तो हम बात कर रहे हैं आज की, गलत बीजेपी का नेता बोले, गलत कांग्रेस पार्टी का नेता बोले, स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। स्वीकारता जरूरी है लेकिन ये है कि परस्पर दोनों ही पार्टियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक पार्टी के लिए इस तरह का मैं आज मैं सिर्फ रितु जी से बात कर रहा हूँ, शांत प्रकाश जी से सवाल का जवाब लूंगा, पहले रितु जी क्या कहते हैं मुझे जरा। नहीं बिल्कुल, हमेशा मैं ये कहना चाहूंगी कि बोलते समय शब्दों की कहीं ना कहीं मर्यादा होनी चाहिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट एक संसदीय भाषा होती है उसका प्रयोग करने में ज्यादा बेहतर रहता है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरेआम नेशनल चैनल पर जिस तरह से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप लोगों से छुपाए? ये अलग बात है कि कोई कोर्ट में नहीं गया, ये अलग बात है, लेकिन आप ये बताइए सब लोग नेशनल मीडिया को देखते हैं, उन पर आकर किस तरीके से उनके बयान होते हैं जो सुनने लायक भी नहीं होते लेकिन वो टिप्पणियां खुले रूप में करते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दूसरी पार्टी को भी अपने शब्दों पर लगाम लगानी चाहिए। ठीक है शांत प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आदर्श जी ने बड़ी अहम बातें कही हैं और ऋषिपाल जी ने इस निर्णय को लेकर अपनी बात रखी है, लेकिन मर्यादाओं की जहां तक बात आती है तो ये स्पीच को लेकर, हेट स्पीच को लेकर, नेताओं के बयान को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया जाता रहा है, उसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और यह भी है कि ना किसी की हार ना किसी की जीत है, ये एक स्पष्ट निर्देश, एक स्पष्ट आदेश है कि आगे से चीजों को अगर आप लोगों को ठीक तरीके से रखना है तो अपनी जिह्वा पर लगाम लगानी ही पड़ेगी। मैं किसी एक पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहा, उसमें सब शामिल हैं, शांत प्रकाश जी की पार्टी भी शामिल है। बिल्कुल ठीक है शांत प्रकाश जी। देखिए संसद भवन जो है वो केवल उत्पात पहुंचाने का नहीं बल्कि वो एक सीखने की भी जगह है। संसद भवन में जो हमारे सांसद हैं वो जो बातें कहते हैं, बातों पर विषयों पर चर्चा करते हैं, वो
केवल वही नहीं सुन रहे या बोल रहे, बल्कि उस सारे सिस्टम को जो है दूसरे लोग भी देखते हैं, वहां से तमाम लोग जो है बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरीके से भी आदर्श जी ने बात कही कि किस प्रकार जो है अटल जी, चंद्रशेखर जी और पुराने जो हमारे नेता थे वो बोला करते थे और एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, विरोध में भी किसी प्रकार का अपमान नहीं हुआ करता था। विरोध करना है मगर जो है उसमें अपमान नहीं करना। मतभेद हो सकते हैं किसी विषय पर मगर मनभेद नहीं हो सकते। मगर पिछले कुछ समय से, बल्कि आप समझ रहे, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी तब से विपक्ष ने तो संसद को एक तरीके से उत्पात का केंद्र मान लिया, किसी भी सूरत में चर्चा नहीं करनी। अब कल आपने देखा दिल्ली के विधेयक पर चर्चा हुई, सबने कितना अच्छी तरीके से बोला, कोई किसी ने उत्पात नहीं मचाया। जिस तरीके से 9 बिल पास हो गए, एक दिन भी ये लोग उपस्थित नहीं थे, मगर भ्रष्टाचार खत्म करने के अगेंस्ट जो बिल आया उसके खिलाफ ये सब लोग वहां पर मौजूद थे, मगर बहुत धैर्य से उन सबने अपना अपना पक्ष रखा। हम लोगों को, विपक्ष को एक ऐसी मिसाल देनी होगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां विपक्ष से सीखेगी कि विपक्ष ने, कि विपक्ष का क्या अर्थ होता है। 9 साल में विपक्ष ने अपना जो जिस तरीके से काम किया है वो केवल पत्थर मार करके भागने जैसी स्थिति पैदा की। आप विरोध करने के लिए आपके पास में सब तरीके हैं, खूबसूरत खूबसूरत तरीके हैं जो मिसाल बनने चाहिए। राहुल गांधी जी ने मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से वो एटीट्यूड वो उनका देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नई पीढ़ी जो है राहुल गांधी जी से क्या सीख पाएगी। ठीक है, कांग्रेस के हमारे तमाम नेता हैं, वो उनको आदर्श मानते हैं, मगर एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिस वक्त में हम विपक्ष में होते थे अटल जी को भी लोगों ने आदर्श माना। मेरे तमाम मित्र कांग्रेस के ऐसे हैं जो अटल जी की तारीफ करते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे कांग्रेस के नेताओं की तारीफ? क्यों नहीं वहां से एक बहुत खूबसूरत जो है ना वक्ता के रूप में कोई निकल रहा, जिससे हम भी कुछ सीखें। तो मैं समझता हूं कि जो ये जो संसद भवन है ये खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, और वहां पर हम लोगों को, हमारे सांसदों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को, ठीक है, बिल्कुल संत प्रकाश जी, ना सिर्फ संसद के पटल पर, ना सिर्फ संसद के पटल पर बल्कि संसद के बाहर भी, जब हम किसी भी स्टेट में चुनाव होता है वहां भाषण देते हैं, वहां भी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उसमें मान सम्मान सबका होता है, और इस मान सम्मान का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ना सिर्फ विपक्ष की है बल्कि उतनी ज्यादा पक्ष की भी है। दोनों पार्टियां अगर संयम के साथ बात करेंगे तो फिर चर्चा करना आसान हो जाता है और फिर लोगों के बीच में एक संदेश पहुंचाना बड़ा सरल हो जाता है। पर राजनीतिक दलों की जहां तक बात आती है, वो आवेश में आकर या फिर तंज कसने के चक्कर में कई बार ऐसी शब्दावली, कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मर्यादाओं से बिल्कुल परे होता है, और ऐसी मर्यादाओं से विपरीत बात अगर कोई करता है तो देश में एक मैसेज गलत जाता है। छोटा सा रिएक्शन मैं ऋषिपाल जी से लूंगा। ऋषिपाल जी, अब आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरे मामले पर जो सदस्यता को लेकर मसला है, इसमें क्या लगता है? अभी जो सजा का होना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, पर फिर भी निचले अदालतों की बात कर लेते हैं, ये तो साफ हो गया कि लगता है कि नसीहत के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, निचली अदालतों के लिए सजा को लेकर जरूर एक संकेत दे दिया गया है। देखिए बिल्कुल शमशेर सिंह जी, आपने सही कहा, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण में जो जिस तरह के जो केस ये फ्रेम हुआ था, अगर राहुल गांधी जी चाहते तो बहुत फ्रॉम वेरी बिगनिंग अगर केवल ये कहे थे कि भाई मैं इस बात के लिए खेद व्यक्त करता हूँ और मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो जो इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, जो मतलब गुजरात से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का मसला हुआ, उनकी सदस्यता पर इतनी आंच आने की बात हो गई, वहां पर दोबारा बाई इलेक्शन की बात हो गई, सोचो कितना परेशानी हो, कितना कुछ हो सकता था। केवल एक नेता ये कहता ठीक है मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इतना होने पर एक जो मसला था वो हल हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी जी ने उसके बाद भी बाहर रहे और सार्वजनिक जीवन में भी कभी उसके बाद भी ये नहीं कहा कि वो जो शब्द है वो मेरे शब्द गलत है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन आदर्श जी से लूंगा। आदर्श जी, आपसे रिएक्शन मेरा, एक बहुत अहम बात ऋषिपाल जी ने की, खेद प्रकट करने की। नेता बयान देते हैं, जोश में आकर देते हैं, जानबूझकर देते हैं, या फिर उसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद होता है? आज के दौर में
किसी पार्टी का नेता कोई अपना बयान देकर भाषण देकर गलती कर देता है तो क्या खेद प्रकट करता है? ये परंपरा नजर आती है आपको किसी भी पार्टी में, दिखता कहीं या फिर सब एक जैसे हो गए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है कि इस तरह की चीजें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। खेद प्रकट करने की बात तो दूर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गंभीरता से उन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, जबकि आदर्श परंपरा यही कहती है कि जब आपको लगे कि जाने अनजाने या धोखे से या आवेश में आकर के इस तरह की कोई भी गलती हुई है तो आप सार्वजनिक तौर पे अगर माफी मांगते हैं तो इससे आपका बड़प्पन ही झलकता है और लोग आपको आदर सत्कार के नजरिए से ही देखते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही। जी चलिए, बहुत अहम चर्चा आज की जिसमें एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, नेताओं को अपने बयानों पर संयम रखना चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बाद ये जरूर हो गया है कि राहुल गांधी ने कहा वो ठीक नहीं था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, पर जो निर्णय आया था उस निर्णय को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकतम सजा दिया जाना भी कहीं जायज प्रतीत नहीं होता है और किस आधार पर दी गए सवाल बड़ा है। पर इतना जरूर कहेंगे कि किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को सार्वजनिक जीवन में मंच से बोलते हुए, अपनी बात रखते हुए अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, क्योंकि आप अगर ऐसा कहते हैं तो इसका असर पूरे देश पर, पूरे समाज पर पड़ता है और लोगों के मन में एक आपके प्रति धारणा बनती है और उस धारणा को अगर इस तरह से लें कि गलत बनती है तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शांत प्रकाश जी, रितु चौहान जी, आदर्श जी, ऋषिपाल जी, आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी के इस आदेश को लेकर कहें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया उनको लेकर संसद का रास्ता खुला है और बहुत जल्द उनकी सदस्यता जो है बहाल हो जाएगी, ऐसा भी निर्णय जल्द आएगा। पर इतना जरूर हम कहेंगे कि नेताओं को, चाहे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, फिर कह रहे हैं अपनी जिह्वा पर, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं किसी भी पार्टी में इस प्रकार का कोई संस्कार नजर नहीं आता कि गलत कहने के बाद उसकी माफी मांग ले। खेद प्रकटना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके कहे शब्द किसी के दिल पर गलत असर डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।